क्योंकि किसी ने झूठ बोल करके समाज के आड़ में टिकट लिया है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई मेरे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। गड्ढे को लेकर के, पानी को लेकर के बहुत सारे ऐसी मूलभूत सुविधा है जो लोगों तक नहीं पहुँच पाई है, तो ये नशे का झूठा वादा करके जो सरकार में आ गए उनको भी खदेड़ना है। अगर आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंटर्नशिप करने के लिए आप वोकल टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एक ओर चुनाव में प्रत्याशियों के नाम तय हो रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर दावेदारों में नाराजगी नजर आ रही है। वहीं उत्तर विधानसभा से रायपुर में दावेदारी कर रही सावित्री जगत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है और आज नामांकन का आखिरी दिन है और वो पूरा भीड़ आप देख सकते हैं, हुजूम उनके समर्थकों का, सावित्री जगत के समर्थकों का भीड़ आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जो है नामांकन दाखिल करने आज वो पहुंच रही है और उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की और उन्होंने उनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों से मैं जो है दावेदारी इसके लिए काम कर रही हूँ चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने उनका कहना है कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। जी निश्चित रूप से ये हमारे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है जो मैं लड़ने जा रही हूँ, क्योंकि किसी ने झूठ बोल करके समाज के आड़ में टिकट लिया है जो कि हमारे समाज से नहीं आते हैं, और इसके वजह से आज हमने नामांकन के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल कोई चैलेंजेस नहीं, यहाँ तक कि मैं तो अपना, चूंकि इतने समय से, लंबे समय से 5 सालों से तैयारी कर रही हूँ, जनता के बीच में हमेशा काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लगता नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से मैं विजयी होकर के आऊंगा। नहीं नहीं, कांग्रेस के कोई बड़े नेताओं से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी, अगर हुई भी होगी तो वो कुछ और काम से, सामाजिक के मुद्दे से मुलाकात हुई है, तो मेरा उनसे कोई ऐसा बातचीत नहीं हुआ, नहीं मैं करूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया ये लड़ाई मेरे समाज के अस्तित्व की लड़ाई है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, क्योंकि हम 3 लाख जनसंख्या, हमारा उत्कल गाना समाज पूरे शहर में है और उसके बावजूद हम लोगों को नकारा गया है, और चारों विधानसभा में मुझे ऐसा लगता है कि एक महिला का होना जरूरी है ताकि महिलाओं की बात को वो पूरी तरह से रख सके। मुद्दे बहुत सारे हैं, सरकार में आकर आने से पहले झूठे झूठे वादे हुए थे कि महिलाओं को शराबबंदी का आश्वासन दे करके झूठा वोट पा करके सरकार बना लिए। गड्ढे को लेकर के, पानी को लेकर के बहुत सारे ऐसी मूलभूत सुविधा है जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, जनता तक के, खास करके महिलाएं प्रताड़ित है, क्योंकि शराबबंदी का ऐसा मुद्दा है कि लोग शराब पी के आते हैं और महिलाओं के साथ में मारपीट करते हैं, महिलाओं के साथ में अत्याचार करते हैं, तो जो अत्याचार, कई रेप जैसी घटनाएं हो रही है नशे के कारण में, तो ये नशे का झूठा वादा करके जो सरकार में आ गए उनको भी खदेड़ना है, और इसके कारण मैंने आगे बढ़ा हुआ है। महिलाओं का सबका ये था कि नहीं दीदी, एक महिला को होना बहुत जरूरी है और आप हमारे हमेशा मेरे लिए लड़ती है, तो आपका आना बहुत जरूरी है, तो पूरे समाज की, पूरी जनता की, और ऐसा नहीं है खाली उत्कल समाज, यादव समाज, साहू समाज, हर एक अन्य समाज के लोग मेरे साथ है और सबके अनुमति से ही मैंने ये चीज सोचा है।